एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। गाइस, आज का वीडियो रिलेटेड है होम टूर वीडियो से, क्योंकि मैं राजस्थान में आया हुआ था पिछले, आज मुझे एक महीने पूरे कंप्लीट हो गए राजस्थान में आके। तो चलिए, आज मैं जीजू का पूरा घर का ब्लॉग बनाता हूँ और होम टूर के नाम से इसे अपलोड करता हूँ। एंड ये रहा न्यू घर टीटी का। तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ से। यह हॉल है, और ये टीवी यूनिट, चलिए किचन की तरफ चलते हैं यहाँ से। ये किचन है दीदी का। दीदी देखो, हाय। तो ये किचन हो गया दीदी का, पूरा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है। बना रही है रोटी दीदी, रोटी बना रही है। सिर्फ रोटी बना रही हो? सब्जी बन गया, चावल बन गया। अच्छा, और ये दीदी की सासू माँ है। सासू माँ। चलिए हम दूसरा कमरा दिखाते हैं आपको यहाँ से। दूसरा कमरा है, एक कबर्ड है, इसमें भी काम चालू है रूम का, उसको बंद करते हैं। ये तीसरा कमरा है, आप देख सकते हो यहाँ से भी रास्ता है बाहर जाने के लिए। और ये वार्डरोब है रूम का, और ये बाहर की तरफ है, यहाँ से बाहर निकलते हो गली टाइप। अब हम हॉल की तरफ चलते हैं यहाँ से। ये हॉल है, और ये सोफा सेट है यहाँ पर बैठने का, और एक कबर्ड है यहाँ पर मैं अपना बैग वगैरह रखता हूँ। और यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने का। चलिए हम ऊपर चलते हैं यहाँ से। ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस यहाँ से। ये रहा टेरिस का व्यू। काफी धूप है इस वक्त ऊपर। और ये जीजू के बड़े भैया का घर, वो सबसे आगे वाला है, उसके बाद सेकंड नंबर वाले भैया का घर है, फिर ये थर्ड नंबर वाले भैया का घर है। और ये यहाँ का ऐसा खाली छोड़ा गया हुआ स्पेस है जो इस घर से दिखता है दूर से ही। और यहाँ पर आने के लिए ये रास्ता भी मेन है, और वहाँ सामने से भी एक रास्ता आता है जो वहाँ यहाँ मिलता है। तो चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं, और आपको पुराना घर भी दिखाना है, तो अब हम चलते हैं आपको पुराना घर दिखाने के लिए। ये रहा पुराना घर। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। काफी पुराना घर है। दीदी की सासू माँ ने बताया था कि लगभग 100 साल पुराना घर है ये, बट अभी भी ऐसे ही टिका हुआ है, क्योंकि पहले के टाइम की लकड़ियाँ सब यूज़ की गई थी इस घर में बनाने के लिए। और यहाँ पर भी किचन वगैरह बना हुआ है, बट यहाँ पर अब ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता। आपने देखा ही अंदर का नया वाला किचन, तो सब वहीं पर बनता है अब। वो तो शादी का टाइम था, तो खाना वगैरह यहाँ पर बन रहा था। और यहाँ पर एक बेड है जो अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी बन रहा है,
अंडर प्रोसेस में इसका काम है, और यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है और यहाँ पर खटिया है, तो मैं यहाँ पर आके सो जाता हूँ, क्योंकि वीडियो जब एडिटिंग वगैरह करना होता है तो यहाँ पर शांति मिलती है, तो मस्त शांति में यहाँ पर वीडियो एडिट कर लेता हूँ। चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं गाइस, अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे खेतों की तरफ, क्योंकि खेत भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, यहाँ का कैसा खेत है। खेत तो मैंने बहुत देखा है, बट फिर भी जीजू का खेत दिखाने की खुशी अलग होती है। तो चलिए हम खेतों की तरफ चलते हैं, अभी तो काफ़ी धूप हो रहा है, आधे एक घंटे में निकलेंगे हम सब लोग खेतों की तरफ जाने के लिए, तो हम वीडियो आगे से कंटिन्यू करेंगे अपने। फाइनली गाइस, हम जा रहे हैं खेत देखने के लिए जीजू का। बहुत सारे खेत हैं यहाँ पर, तो सब में गेहूँ इस समय बोया गया हुआ है, क्योंकि गेहूँ का सीजन है। आप देख सकते हो मेरे सामने, वो पूरा गेहूं का खेती है, और यहाँ पर भी पूरा गेहूं का खेती है। ये जीजू का खेत है, वो भी जीजू का खेत है। सामने मोर है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बट नज़दीक जाने के बाद वो सब उड़ जाते हैं। देखिए मैंने जूम कर लिया है, देख सकते हो आप यहाँ से। काश मेरे पास आईफोन होता तो मैं और बेहतरीन तरीके से वीडियो को बना पाता, बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आईफोन भी होगा अपने पास, तो जो है उससे ही काम चला रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से दूर से देखते हुए, सनसेट टाइम का व्यू एकदम शांत। अब हम सब बाहर निकल रहे हैं बाहर की तरफ जाने के लिए। लाडो देखो, आज लाडो अपने खेत में आई है। अब मेरे को ना ये ऑडियो बंद करके गाना डालना पड़ेगा। इसको लो, निकलो यहाँ से। ये हम बाहर जाते हुए कांटों के रास्ते से, मुझे भी अब जाना होगा ऐसे ही। ओ भाई, आई होप गाइस यू लाइक दिस व्लॉग वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो बनता ही है। और फाइनली बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पर फ़ोन का, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मैं दूसरे का फ़ोन मांग के वीडियो को बना रहा हूँ अपने इस ब्लॉग को। ना माइक चल रहा है, ना फ़ोन चल रहा है, ना इंटरनेट कनेक्शन है, फिर भी सोचो यार कितना डेडिकेटेड बंदा हूँ मैं, कि ब्लॉग को बनाना नहीं छोड़ रहा हूँ और ब्लॉग को बना रहा हूँ। आई होप गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और आप कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट में ये बात मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।